जिस पोलिंग बूथ पर वो मौजूद है उसकी तस्वीर बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि आज यहाँ पर प्रधानमंत्री अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने आएंगे और खुद प्रधानमंत्री पहले ये बातें कहते आए हैं कि जाइए और वोट डालिए। और आपको गोपी याद होगा कि चुनावों की शुरुआत में ही उन्होंने किस तरीके से ट्वीट करके टैग कर करके हर किसी को ये कहा था कि अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। और आज 7:30 बजे का वक्त है गोपी। जी बिल्कुल नवजोत, यहाँ पे 7:30 बजे प्रधानमंत्री पहुँचेंगे। यही नहीं, गुजरात के अंदर अगर बात की जाए तो कई सारे वीआईपीज जो है वो आज वोट डालेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अपना वोट डालेंगे। साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी, जिनकी ये सीट रही है गांधीनगर की जो सीट है वो लाल कृष्ण आडवाणी की सीट मानी जा रही थी, जहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और ख़ास करके अगर हम कहें तो जहाँ से अमित शाह के चुनाव लड़ने के वक्त यही बात उठी थी कि अब आडवाणी युग का जो अंत होता है और शाह युग की शुरुआत होती है, तो वही लाल कृष्ण आडवाणी के साथ साथ अरुण जेटली भी यहां से वोट डालेंगे। आज 12:30 बजे वो वोट डालने वाले हैं। ये तो बीजेपी के नेता हुए, लेकिन अहमद पटेल जो कि कांग्रेस कांग्रेसी नेता, वो भरूच से वोट डालने वाले हैं। साथ ही कई सारे क्रिकेटर्स जो है वो भी आज गुजरात में वोट डालने वाले हैं, तो काफ़ी अहम हो जाता है। और 26 की 26 सीट पर आज गुजरात में वोट डाले जाने हैं, तो वैसे में यहाँ पर बहुत दिलचस्प होगा। और ख़ास करके अगर गांधीनगर सीट की बात की जाए नवजोत, तो गांधीनगर सीट बीजेपी का गढ़ रहा है। साथ ही अगर अहमदाबाद और शहरी इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर बीजेपी की जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत दिख रही है। लेकिन अगर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए उसका आपको शायद याद होगा तो कि 2014 के बाद जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी महज 99 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। तो ये एक सबसे बड़ी चैलेंज मानी जाती है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी ने 2014 में यहाँ से 26 में से 26 सीट हासिल की थी। तो वैसे में बेहद दिलचस्प है, बीजेपी कहीं ना कहीं की कोशिश कर रही है कि इस बार भी वो 26 में से 26 सीट हासिल कर पाए। लेकिन जो विधानसभा के चुनाव के नतीजे हमने देखे हैं और जिस तरीके के हालात है, जिस तरीके के मुद्दे इस बार सामने आए, क्योंकि 27 साल से गुजरात में बीजेपी का राज रहा है, तो वैसे में एंटी इनकम्बेंसी का भी एक फैक्टर हमें देखने मिल रहा है। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा, मुकाबला काफी कड़ा होगा और प्रधानमंत्री करीब 117 सीटें और 117 ही रिपोर्टर्स हमारे साथ है जो देंगे हमें पल पल की जानकारी, और रहेगी इस पर नजर। रुक रहे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं, आप देखते रहिए।